Good morning, students. How are you? I hope you all are doing well and have done your homework. Good. चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है पता है ना, रोज की तरह अटेंडेंस बनाना है एंड यू ऑल नो द प्रोसेस. कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पे अपना नाम लिख देना है ना. और अगर आपसे अटेंडेंस नहीं बनता है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बना देंगे. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये काम कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके, चलिए तो अटेंडेंस बना लिया आप लोगों ने, वेरी गुड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम है ना, विद देयर हिंदी मीनिंग, शरीर के अंगों के नाम उनके हिंदी अर्थ सहित. इस टॉपिक पे हमने पढ़ा था और इससे पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में ही पढ़ा था, क्योंकि हमारा बॉडी पार्ट जो है सिर्फ 10 ही नहीं है कि एक दिन में खत्म हो जाए. बॉडी पार्ट्स में ऑल बॉडी पार्ट जो है वो मैं सब कुछ लिखवा रही हूँ आपको, है ना. तो जो आपको पता है वो भी अब मैं लिखवा रही हूँ और जो आपको नहीं पता है मैं वो भी लिखवा रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना. तो आपका होमवर्क था कि उसे याद करना था, जो मैंने लिखवाया था पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम उसमें मैंने आपको बोला था कि याद करना है और उसे घर पे सुनाना भी है. एंड आई होप कि आपने उसे सुनाया होगा क्योंकि बहुत ईजी था. पर जिन लोगों ने अभी तक नहीं सुनाया है पिछला होमवर्क या जो मैंने कर दिया था वो, तो वो जल्द से जल्द याद करके सुनाएंगे घर पे, ठीक है. चलिए तो फिलहाल नोटबुक ओपन कीजिए और साथ में पेंसिल इरेजर भी रखिएगा, ठीक है. मैं लिखूंगी तो आप लोग भी लिखेंगे, लेकिन जब मैं समझाऊंगी तो लिखना छोड़ के पहले समझेंगे फिर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है. चलिए चलिए क्या है, BELLY, इसको पढ़ना है बेली, ठीक है. और बेली का मतलब होता है पेट, ठीक है. ये पार्ट हमारा कहलाता है चेस्ट, है ना, सीना या छाती. और ये जो पार्ट है ये कहलाता है पेट, ठीक है. फिर है STOMACH, इसको पढ़ना है स्टोमैक, ठीक है. स्टोमैच नहीं पढ़िएगा, CH है तो जरूरी नहीं कि च ही होगा, है ना, क भी होता है. तो स्टोमैक का मतलब होता है अमाशय या पेट. जो हमारे पेट में नाभि होती है ना, उसको स्टोमैक बोला जाता है. अंदर का पार्ट है वो अमाशय या फिर पेट भी उसको बोलते हैं. अब है BACK, है ना, बैक. बैक का मतलब होता है पीठ, ठीक है. उस दिन मैंने आपको वेस्ट लिखाया था. वेस्ट मीन्स कमर होता है, ये पार्ट कहलाता है. और बैक का मतलब पूरा पीठ, है ना. जैसे ये पूरा पार्ट चेस्ट और बेली कहलाता है ना, तो ये पीछे के पूरे पार्ट को कहा जाता है बैक, जिसका मतलब होता है पीठ, ठीक है.
फिर है FOOT, फूट, है ना। फूट फूट मींस एक पैर होता है, और फीट होता है इसका प्लूरल, जिसका मतलब होता है दोनों पैर, ठीक है। तो फूट लिखे या फीट लिखे उसका मतलब होगा पैर, ओके। या पांव भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है HEEL, इसको पढ़ना है हील, है ना। एक होता है HEEL हील, हील मीन्स होता है ठीक होना, और HEEL हील, हील का मतलब होता है एड़ी, ठीक है। पैर में एड़ी आपको पता ही होगा, पीछे के पार्ट को कहते हैं, तो उसका मतलब लिखेंगे यहाँ पे हील, दैट मीन्स एड़ी, है ना। चलिए, तो फिलहाल तो यहाँ पे 5 ही आ पा रहा है, तो इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद जब आप इसे लिख लेंगे तो मैं वाइप करूंगी और फिर से नेक्स्ट वाला लिखवाऊंगी, ओके। चलिए, लिखने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट नेम, फिर राइट एंड रिमेम्बर, मतलब लिखना है और याद करना है। उसके बाद जो हेडिंग है वो लाइन में लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम विद हिंदी मीनिंग, और उसके बाद ये जो 5 है इसको लिखिए, ठीक है, सेकेंड लाइन से, और उसके बाद हम लोग आगे भी लिखेंगे, ओके। चलिए जल्दी लिखिए। तो चलिए, लिख लिया आप लोगों ने, गुड। अब एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे। पहला है BELLY, इसको पढ़ना है बेली, ठीक है। बेली का मतलब होता है पैर, सॉरी पेट, ठीक है। उसके बाद है STOMACH, स्टमक, है ना। स्टमक का मतलब होता है पेट या आमाशय, है ना, नाभि के पास, नाभि को ही एक्चुअली बोलते हैं, उसके अंदर के पार्ट। उसके बाद है BACK, बैक, बैक का मतलब होता है पीठ, ठीक है। उसके बाद है FOOT, फूट, फूट मीन्स पैर या पाव। उसके बाद है आपका HEEL, हील, हील का मतलब होता है एड़ी, जिसके बल पे हम खड़े हो पाते हैं, ना। हम जब खड़े होते हैं तो पूरे शरीर का भार जो है वो हील पे ही पड़ता है, एड़ी पे पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसको वाइप कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट लिखते हैं।
HIP हिप। हिप का मतलब होता है कूल्हा, कूल्हा जिसको बोलते हैं, जांघ के पार्ट को बोलते हैं ना, जांघ के बगल में जो पार्ट होता है पीछे से उसको कूल्हा बोला जाता है। ये जांघ और कमर के बीच का पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद है THIGH, थाई। थाई का मतलब होता है जांघ, ठीक है। पैर के ऊपर के पार्ट को, घुटने से ऊपर का जो पार्ट होता है वो कहलाता है थाई, जांघ। चलिए नेक्स्ट है KNEE। इसको पढ़ना है नी। नी का मतलब होता है घुटना, ठीक है। ये बीचों बीच पार्ट को बोलते हैं, पैर के मतलब जांघ और नीचे के पैर के बीच, जिसके सहारे हम पैर को मोड़ते हैं, ठीक है। ये जैसे एल्बो के सहारे हम इसको मोड़ पाते हैं ना, तो वैसे ही पैर को भी तो मोड़ते हैं, तो ये पार्ट पैर का कहलाएगा नी। चलिए नेक्स्ट है आपका ANKLE, एंकल। एंकल का मतलब होता है टखना। एड़ी के ऊपर एक हड्डी जैसा निकला हुआ पार्ट होता है, ठीक है, वो कहलाता है टखना। नीचे ही वो भी होता है। उसी से एक वर्ड बना है एंकलेट, पायल जिसको बोलते हैं, जो लड़कियां या लेडीज लोग पहनती हैं, है ना, एंकलेट, वो जहां पे पहना जाता है वही पार्ट एंकल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है LEG, लेग। लेग मीन्स पैर, पूरे थाई से लेके फुट तक, हील तक कहलाता है पूरा पार्ट लेग। जैसे ये पार्ट आर्म, ये पार्ट फोर आर्म, ये कहलाता है आपका रिस्ट और ये फिंगर, है ना, चार चीज यहाँ पे हैं, लेकिन ये पूरा जो है वो क्या कहलाता है, हैंड, है ना। उसी तरीके से थाई हो गया, एंकल हो गया, फुट हो गया, उसके बाद आपका नी हो गया, ये सारा पार्ट है ना, लेकिन एक साथ जब इसको बोलेंगे तो वो लेग कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी जल्दी से नोट कीजिए। तो
चलिए लिख लिया आप लोगों ने इसे, गुड। अब एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे, सिक्स है HIP हिप। हिप मीन्स कूल्हा, वेस्ट और थाई के बीच के पार्ट को कहते हैं, ठीक है इसको। उसके बाद है THIGH थाई, थाई मीन्स जांघ, ठीक है ऊपर के पार्ट को, लेग के ऊपर के पार्ट को कहते हैं। फिर है KNEE नी, नी मीन्स घुटना, जिसके सहारे हम पैर को मोड़ पाते हैं, बेंड करते हैं। उसके बाद ANKLE एंकल, एंकल मीन्स तखना होता है, जहां पे हम लोग लड़कियां जो है पायल पहनती है उस पार्ट को बोलते हैं। उसके बाद है LEG लेग, लेग मीन्स पूरा पैर को कहते हैं, ठीक है। चलिए तो टोटल जो है हम लोगों ने 30 पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम पढ़ा है ना, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये, हमेशा याद रखिएगा इस पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम को, ठीक है। आगे की क्लासेस में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये, ओके। चलिए तो आपका होमवर्क क्या हो गया कि जो मैंने पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम अभी लिखवाया है आप इसको अच्छे राइटिंग में लिखेंगे और याद करके घर पे सुनाएंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने पिछला होमवर्क भी अभी तक याद नहीं किया है वो उसको भी याद करेंगे, साथ में आज वाला होमवर्क भी याद करेंगे, ठीक है। और जिनकी क्लासेस पिछले वाली छूट गई हैं वो उसको प्रीवियस वीडियो से नोट करेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, ठीक है, और आज वाला। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।